हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लो जी भाई, सैटरडे की मॉर्निंग हो गई है शुरू। तो पहले तो भाई वीकेंड की आपको बहुत बहुत बधाई हो। और हम भी भाई धड़ाधड़ वीडियोस डाल रहे हैं और आप भी वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हो। आपको भी अच्छी बात यह है कि भाई पेरेंट्स भी अब सामने निकल के आ रहे हैं, पेरेंट्स ने भी क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए हैं। और इससे साफ पता चलता है कि हमारा जो इनिशिएटिव था वो सक्सेसफुल हो रहा है जी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नॉट जस्ट एप्लीकेंट्स बट पेरेंट्स को भी हमने एजुकेट करना है, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लेके आनी है, ताकि भाई जो सही डायरेक्शन में एफर्ट्स हमने करने हैं वो किए जा सके एंड जो जर्नी है एप्लीकेंट्स की यहाँ पे कैनेडा में वो एक स्मूथ रहे, एक अच्छी जर्नी रहे और उनको उनके जो सारे सपने हैं वो पूरे हो सके, राइट? तो चलो भाई, आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। देखो गाइस, हम काम यहाँ पे जब करते हैं ना कनाडा में, मान लो चाहे आप स्टडी वीजा पे हो, ठीक है, तो स्टडी वीजा पे फिलहाल आप 20 घंटे पर वीक कर सकते हो। एंड वहीं पे अगर आप वर्क पे आते हो, जितना मर्जी काम करो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो एक ना दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड एक क्वेश्चन रहता है जी, कि जी मेरी कंपनी कहती है ना कि आपको भाई मैं 2 दिन ही बुलाऊं। मेरा एम्प्लॉयर कहता है जी मैं तो आपको 2 दिन ही बुलाऊंगा। मान लो स्टूडेंट की बात करते हैं, वो कह रहे जी मैं तो आपको 2 दिन ही बुलाऊंगा, तो 2 दिन में मैं आपको 5-5 घंटे की 2 शिफ्टें, या फिर 8 और 4 घंटे की 2 शिफ्टें, या फिर 8-8 घंटे की 2 शिफ्टें दे सकता हूं। क्लियर है भाई? अब बात क्वेश्चन ये रहता है भाई कि भाई 16 घंटे या 12 घंटे, 10 घंटे से मेरा तो कुछ नहीं बनेगा, तो क्या मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं कोई और कंपनी ज्वाइन कर लूं, ताकि जो मेरे जो रिमेनिंग आवर्स हैं वो मैं कंपनसेट हो सके, मेरे वो पूरे हो सके, क्या ये ऑप्शन है? या फिर बीइंग अ स्टूडेंट मैं सिर्फ एक ही कंपनी में काम कर सकता? बिल्कुल भाई, वैलिड क्वेश्चन है, वाजिब क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं भाई, अगर आप स्टूडेंट हो और 20 घंटे करना चाहते हो, वो चाहे 2 कंपनी के साथ करो, चाहे 30 कंपनीज के साथ करो, चाहे 4 के साथ करो, चाहे 1 के साथ ही करो, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, अंटिल अनलेस आप 20 से ऊपर नहीं जा रहे हो। 20 घंटे पर वीक आपने पूरे करने हैं, वो चाहे एक कंपनी के साथ करो, चाहे 2 जॉब्स लेके करो, चाहे 3 जॉब लेके करो, चाहे 4 जॉब लेके चलो, भाई नोबडी केयर्स। ठीक है, आपकी जो मेन रेगुलेशन है, जो मेन रूल है ना, उसको आपने फॉलो करना है। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि आपने 20 घंटे पर वीक काम करने हैं, बस इस चीज का ध्यान रखना है। तो भाई स्टूडेंट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ज्यादा बोझ डालने की जरूरत नहीं है। 2 कंपनी के साथ करो, 3 के साथ करो, 4 के साथ करो, कोई चक्कर नहीं है, बस 20 घंटे पर वीक होने चाहिए। क्लियर है जी? अब चलो भाई एक और सिनेरियो लेके चलता हूं मैं, किसी की समर ब्रेक है। अब समर ब्रेक में तो भाई जितना मर्जी काम करो, चाहे 60 घंटे करो, 70 करो, 80 करो, ठीक है जी, ओवर टाइम बस आपको मिलता रहना चाहिए प्रोविंस की तरफ से, वो भी वो देख लेते हैं, कोई चक्कर वाली बात नहीं है भाई, वो इंप्लॉयर देगा ही देगा आपको। उस केस में ये कि सेम, चाहे 2 कंपनी के साथ करो, चाहे 3 के साथ करो, 4 के साथ करो, जितनी मर्जी कंपनीज के साथ करो, भाई कोई आपको रोकेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स आपने भाई ज्यादा से ज्यादा काम करना है, फीस भी भरनी है, खर्चे भी हैं भाई, राइट? तो भाई जितनी मर्जी इस कंपनीज के साथ काम करो, नोबडी इज गोना स्टॉप यू। क्लियर हो गया भाई? बिल्कुल क्लैरिटी आ गई हमें। अब भाई एक और है जी, मान लो चलो स्टडी तो ठीक है, वर्क परमिट पे क्या आगे कोई पीआर के केस में दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, है ना? दिक्कत तो भाई देखो आती है। अब देखो जी भाई, दिमाग में क्वेश्चन तो आते हैं। देखो जी भाई, इसमें ये है कि भाई आप चाहे सेम, चाहे 2 कंपनीज के साथ करो, चाहे 3 कंपनीज के साथ करो, चाहे 4 के साथ करो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, कोई चक्कर वाली बात नहीं। हाँ, आपके आवर्स भाई जो कैंडी एक्सपीरियंस क्लास वाले हैं फिर उसी हिसाब से कंसीडर होंगे। अगर आप किसी कंपनी में पार्ट टाइम काम कर रहे हो, तो पार्ट टाइम के आवर्स भाई एक कंपनी के पार्ट टाइम जो भी आवर्स होंगे और प्लस दूसरी कंपनी के पार्ट टाइम आवर्स, ठीक है ना? क्योंकि भाई देखो, 30 घंटे से कम अगर आप कर रहे हो कहीं पे, मान लो आपने भाई कहीं पे फुल टाइम जॉब एक कर रहे हो, ठीक है, फिर तो कोई चक्कर वाली बात ही नहीं है, वही आपके भाई पीआर वाले, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम वो 30 आवर्स पर वीक ही काउंट करेंगे, तभी जाके भाई 52 वीक्स में 1560 घंटे आपके पूरे होते हैं। ठीक है जी? अब मान लो आप कहते हो जी 30 घंटे तो मैंने एक कंपनी में कर लिए, मुझे भाई 40 मिल रहे हैं वहां पे, मुझे भाई 60 करने हैं, मैं तो भाई सैटरडे संडे भी करूंगा, तब जाके आप किसी और कंपनी में काम कर सकते हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं, कोई चक्कर वाली बात नहीं। ठीक है जी? अगर पार्ट टाइम करना है भाई आपने 2 कंपनीज में, तो दोनों कंपनीज के आपके वो आवर्स कंप्लीट मतलब कंसीडर होंगे, ठीक है जी? बट हाँ, मैक्सिमम आपको भाई 30 आवर्स वाला जो मैंने बताया आपको फुल टाइम, वो 30 आवर्स ही मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं जी आपको 40 मिल गए, 50 मिल गए, 60 मिल गए, आप तो भाई कहोगे मैं तो 6 महीने में 1560 घंटे पूरे कर दूंगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। फुल टाइम मतलब आपको 30 घंटे
पर वीक ही आपके कंसीडर होंगे, फिर चाहे आप 50 करो, 60 करो, 70 करो। तो जी मुकदी गल यह है कि चाहे आप दो कंपनीज के साथ काम करो, चाहे तीन के साथ करो, चाहे चार के साथ करो, कोई चक्कर वाली बात है नहीं, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। हाँ, स्टडी के लिए तो भाई बिल्कुल भी आपको किसी चीज का ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। आप बस आपने भाई जो आपका टाइम है ये आप भी 20 घंटे पर भी कर सकते हो, फॉल से आप वो 24 हो जाएगा, उस चीज का आपने ध्यान रखना है। समर में तो चलो जितना मर्जी दबा के काम करो, ब्रेक इट बात कर रहा हूं मैं। एंड अगर मैं वर्क परमिट्स की बात करता हूँ, बस आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका CC, ठीक है, कैन एक्सपीरियंस क्लास हम बोलते हैं, कि एक साल का जो वर्क एक्सपीरियंस दिखाओगे वो कैसे दिखाओगे। एक कंपनी में दिखाना है तो भाई एक कंपनी में आपके फिर वही है ना, आप मेक श्योर करोगे कि 30 घंटे तो हो ताकि मेरा एक साल में कंप्लीट हो जाए। अगर दो कंपनी में पार्ट टाइम करना है तो फिर आपको दोनों कंपनीज का दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी, कर सकते हो आप काम, दबा के कर सकते हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं। ठीक है, तो आई होप भाई ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और मैंने सोचा यार काफी लोगों के भाई इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई मैं दो काम कर सकता हूँ, दो जॉब्स कर सकता हूँ, कैनेडा में तीन कर सकता हूँ, चार कर सकता हूँ, कोई चक्कर वाली बात तो नहीं है। स्टूडेंट पूछते हैं क्या वर्क परमिट कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, वर्क परमिट वाले पूछते हैं कैनेडा PR में कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, बताओ जी बताओ। तो भाई यही हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है जी। आई होप आपको भाई कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी भाई चैनल को आप सब्सक्राइब करो यार। सी यू नेक्स्ट टाइम इन टॉपिक एंड डिस्कशन। लाइव सेशन हम करते रहते हैं, एपिसोड्स हमारी आ रही है जी। दोबारा मिलते हैं टॉपिक एंड डिस्कशन। टीचर से स्टे का अपना ध्यान रखना। बाय बाय गाइस, लव यू, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।